अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हिना काशिफ हाशमी और आप देख रहे हैं किचन विद हिना यूट्यूब चैनल। आज का व्लॉग है जी बड़ा स्पेशल, क्योंकि आज हम जा रहे हैं बड़ी मजेदार एक जगह पे। और वो जगह का प्लान हमने इस तरह से किया है कि काशिफ को नहीं हमने बताया कि हम क्या कर रहे हैं। एक बड़ा सा इवेंट आ रहा है आगे हमारा, और उसकी जो है वो इंशाल्लाह मैं आपको सारी की सारी खबरें जो है वो जैसे जैसे होता जाएगी सारी चीजें वो मैं आपको बताऊंगी। हमारी आ रही है जी एनिवर्सरी, और मैंने काशिफ को लेके देना है कुछ शॉपिंग वॉपिंग करनी है, क्योंकि उनकी जो है वो चाह रहे थे, वो अक्सर हमेशा इस चीज़ को जो है वो करते हैं कि डोंट बाय एनी गिफ्ट फॉर मी और ये इस किस्म की फजूल खर्चियों में ना जाओ। तो मैंने काशिफ को मना लिया कि आपकी जो है ना ये ज़रूरत की चीज़ें हैं, और बड़ा अच्छा वहाँ पे एक आया हुआ है और कपड़ों की दुकान है वो, आप जाएं और वहाँ से ले लें, तो वो मान गए। मैंने पूरा एक ना बेस बिछाई है उनको वहाँ से शॉपिंग करवाने के लिए, और उनको बिल्कुल याद नहीं एज़ यूजल एंड सैड। काशिफ को अपनी शादी की सालगिरह याद नहीं है। खैर मुझे नहीं पता, मुझे लग रहा है कि मे बी शायद ही इज प्लानिंग, क्या पता जी, क्या पता कोई गिफ्ट प्लान किया हुआ और वो जानबूझ के बता नहीं रहे। हाँ मुन्नू बन रहे हैं, है ना, और मेरी बातों में भी आ गए, और हमेशा बातों में आते नहीं है मेरी किसी भी, लेकिन मुझे लग रहा है कि बातों में इसलिए आ गए हैं क्योंकि वो समझ रहे हैं कि इसको नहीं पता शायद ये मुझे उल्लू बना रही है। कन्वीनियंट नहीं हो गया ज्यादा। हाँ तो बस आज उसी के सिलसिले में जा रहे हैं। मम्मी वो मोबाइल आपने पापा के उठा लिए थे, कहाँ रखे हैं वो मोबाइल? का है वो तो ऊपर रह गए हैं, जाके जल्दी से लेके आओ, ये रे पकड़ो जल्दी, चलो लेके आओ और फिर चलते हैं। हाँ यही वाली है ना यार, ये रखे हुए हैं यार कुमी। चलें जी, हमारे मोबाइल मिल गए हैं, बस मैं लॉक कर रही हूँ और बस अब हम निकलते हैं और दिखाते हैं आपको थोड़ी सी शॉपिंग वॉपिंग। ठहरो इसकी यार, कौन सी चाबी है, देखो रेड नेल पॉलिश वाली, ये वाली स्टिकर। हाँ ठीक है लगाओ। चले देखते हैं, तुम ही लॉक लगा रही है, मेरा फोन उठा लिया ना। ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ किस पे हो रही है? नहीं वो एसेट की बात कर रही है। चलो जी हमने खोल लिया दरवाजा, काशिफ जो है ना गाड़ी में ही बैठे हुए हैं खामोशी के साथ। हाँ आ जाओ। चलो जी राबी सेंटर आ गया यहाँ पे, अब राबी टू भी बन गया है ना, मेरी अम्मा का फेवरेट शॉपिंग प्लाजा है। जिस शॉप से हमने शॉपिंग करनी थी आज उनका कोई पता नहीं कोई मसला हुआ हुआ है और वो जी शॉप ही बंद करके चले गए, और हम जा रहे जो है ना वो बैठे रह गए। हम लोग तैयार होके बाबू बन के आए थे और हमारे साथ हो गया मोए मोए। चलते हैं अभी देखते हैं खाना शाना ले लें, क्योंकि आज हमने खुशी में खाना ही नहीं बनाया था। तो मैंने तो इनको ऑफर किया कि हम दाल चावल खा लें, लेकिन ये दाल चावल खाने के लिए रेडी नहीं है, तो ये कह रहे हैं कि नहीं हम तो चिकन स्टीम खाएंगे। तो हम जो है लसानिया का चिकन स्टीम बड़ा मजे का होता है, फिर हमने सोचा कि चलो यहीं आ जाते हैं है ना। तो हम लोग यहाँ सदर की तरफ आए हुए हैं, अब इस्लामाबाद की ट्रेवलिंग करेंगे तो कितना लंबा हो जाएगा, है ना। तो चलो लेट्स सी, देखते हैं, नहीं तो फिर ये कि कल पे जाएगी सारा मामला, तो देखते हैं अब क्या करें। अब मजे का सरप्राइज आ रहा है आगे, हैं जी। हाँ जी वो आप देखेंगे इंशाल्लाह, टेलर से बात क्यों हुई, क्या सिलवा रही हूँ वो भी बताऊंगी आपको इंशाल्लाह। बस वो जरा आ जाए, अभी प्रोसेस में है सारी चीजें, तो वो मेरे पास पहुंच जाए, तो जब पहुंचेगा तो आप लोगों से बताएंगे कि क्या पहन रहे हैं भाई एनिवर्सरी पे। ऐसे थोड़ी एनिवर्सरी है हमारी, और वो भी 20th एनिवर्सरी है। देखिए जी आज मेरे घर में बन रही है बड़ी मजेदार सी मटन कढ़ाई, बहुत ही शानदार रेसिपी है, ऑलरेडी मेरे चैनल पे है, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सारी मजेदार सी रेसिपीज आपको देखने को मिल सके। और ये देखें एक शानदार रेसिपी जो है वो ये है, बड़ा ही गजबनाक किस्म का जो है वो गाजर का हलवा अभी तैयार हुआ है, और जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे इंशाल्लाह अपलोड हो चुकी होगी, तो इसको भी जाके आप चेकआउट कीजिए अगर आपको गर्मा गर्म मजेदार सा गाजर के हलवे की रेसिपी चाहिए। बहुत आसान, इतनी आसान कि कोमी ने भी सीख ली और कोमी भी बना रहे हैं, कोमी तो बस ठीक है जी। तो अभी हम तैयारी करते हैं, कोमी आप मुझे जल्द कहीं बीट करके दो, मैंने इसको मटन में जो है वो डालना है। मेरा दिल चाह रहा है कि मैं साथ मटन कढ़ाई के ना तहरी बना लूं,
है ना, अच्छी लगेगी ना, साथ दही भी है और सलाद भी है तो अच्छी तहरी भी लगेगी और साथ में हमारी जो है ये मटन कढ़ाई तैयार हो जाएगी। आलू डालना भी है। कितने आलू? बहुत सारे। अच्छा ठीक है चलो बस ठीक है, बहुत ज्यादा, हाँ बहुत ज्यादा नहीं चाहिए। मेरी फेवरेट लाल मिर्चें, थोड़ी सी जो है वो मैं इसमें आधी चमची जो है काली मिर्चें शामिल करूंगी और थोड़ा सा जो है ये गरम मसाला इसमें शामिल हो जाएगा। और एंड में जो है ना हल्का सा बस मक्खन डाल के और हरा धनिया हरी मिर्चें डाल के ना और थोड़ी सी अदरक स्प्रिंकल करेंगे तो ये हमारी शानदार सी मटन कढ़ाई जो है वो रेडी हो जाएगी। बस अब इसको मैं बिल्कुल धीमी आंच पे ना दम पे रख दूँगी तो ये इसका ऑयल बाहर आ जाएगा और ये बस तैयार है। और साथ में मैं बना रही हूँ तहरी, आप थोड़ा सा दो रोटियों का आटा गूंद लो क्योंकि पापा को घर की रोटी पसंद है तो घर की रोटी जो है वह मैं पका दूँगी पापा के लिए। ठीक है, नहीं तो वाइट नान खाऊंगा। चलो ठीक है, आप वाइट नान खाना, बस मैं इसको हल्का सा ना दम पे लगा रही हूँ। ये मेरा वो है, मुझे तो नंबर याद होते हैं। I'll show you when I go downstairs, then I'll show you. ठीक है, ये देखें जी हमारी तहरी जो है वो तैयार हो रही है। पीछे आपको कोमी का जो है मनहूस बैकग्राउंड म्यूजिक जो है। मनहूस क्यों भाई, इतना अच्छा तो है। What do you, माशाल्लाह देखिए जी मेरी बेटी ने कितना प्यारा आटा गूंदा है। और अच्छा अब मैं ना पीछे प्लेट में हलवा निकाल के देती हूँ तो आप जाके ऊपर आंटी को जो है ना उनको भी गाजर का हलवा दे के आओ। घर में जो है वो कोई चीज़ बने और हम जो है वो अपने साथ अपने प्यारों को ना खिलाएं, ऐसे तो नहीं हो सकता ना। ये आप चाहिए, ये मैं उनके लिए अच्छी सी जो है वो प्लेट तैयार करती हूँ। ठीक है, वो मैंने अलग से जो ऑलमंड्स रखे हैं वो मेरे इधर है, वो देखो साथ जहाँ आप आटा कर रही हो ना जाके आंटी को देख के आओ। और ये है मेरे मान के लिए हलवा। खौफनाक मौसम में जो है वो हम निकले हैं आइसक्रीम खाने के लिए और वो भी हम इस्लामाबाद जा रहे हैं। और ये देखिए रास्ता बिल्कुल कुछ नज़र नहीं आ रहा, बहुत ज़्यादा धुंध है।